Students, in this video lecture I am going to describe you chapter number 2 of class 10 civics, that is federalism, and this is the 5th video lecture of this chapter. In the previous one video मैंने आपको explain किया था कि decentralization क्या होता है और why it is required, जरूरत क्यों होती है इसकी, हमने detail में पढ़ा था, and when the amendment was made for the decentralization, for the success ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया तो उसके टाइप्स कितने हैं और किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है, उसको कैसे वर्किंग वे में लेके आया जाता है, क्या वे होता है उसके वर्क करने का और डिवीजन क्या होता है. तो यहाँ पर दो तरह से डिवाइड किया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन के, दो डिवीजन होते हैं, एक रूरल होता है और एक अर्बन होता है. तो वन बाय वन हम दोनों को हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं रूरल को, रूरल लोकल गवर्नमेंट या पंचायत राज, इसके इसको बोल, यहाँ से वन मार्क क्वेश्चन भी रेज होता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट, दैट इज पंचायती राज. अब इसके अंदर क्या होता है एक्सप्लेन करेंगे हम इसे. सबसे पहले एक विलेज होता है आपके हरियाणा के अंदर, 6000 समथिंग विलेजेस हैं अगर हम हरियाणा की बात करते हैं. तो एक गांव के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, जो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं सरपंच और पंच, मेंबर्स और सरपंच जो इलेक्ट किया जाता है एक विलेज के अंदर, उसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत. ठीक है, इलेक्शन हुए, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किसी एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर इलेक्शन कराए तो वो क्या, वहां पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी, ग्राम पंचायत. ठीक है, क्योंकि ग्राम मीन्स क्या था, गांव, और उसमें जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी दैट इज ग्राम पंचायत. अब ये क्या होती है, कैसे इलेक्ट की जाती है, इलेक्शन कमीशन ने तो बोल दिया कि अब विलेज के लिए या पंचायती राज के लिए स्टेट के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट कैसे की जाती है, इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट्स. अडल्ट्स कौन, उस गांव के अंदर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में आपको पता ही होगा कि एनी सिटीजन और एनी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18 इज एबल टू गिव और कास्ट हिज वोट, अपनी वोट देने के लिए एलिजिबल वो हो जाता है. तो यहाँ अडल्ट का मतलब है कि गांव में से सिर्फ वो लोग जिनको वोट देने का राइट मिल चुका है वो लोग ही क्या करेंगे, डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे इलेक्शन के थ्रू, अपने वोट डालकर अपने हेड को, अपने सरपंच को और मेंबर्स को इलेक्ट वो करेंगे. तो गांव के लेवल पे जो एक सिंगल गांव में जो गवर्नमेंट बने दैट इज कॉल्ड ग्राम पंचायत और इलेक्टेड बाय द अडल्ट डायरेक्टली. और वो जो अडल्ट होते हैं, वैसे तो बच्चे भी होते हैं उसके अंदर, उनको वोट डालने का राइट नहीं होता, लेकिन जो 18 और 18 से अबव, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो अडल्ट हैं, यंग हैं, जो भी हैं, वही मेंबर्स उस गांव के क्या कहलाएंगे, ग्राम सभा कहलाती है. क्वेश्चन ये भी आता है कि हु इज इंक्लूडेड इन टू ग्राम सभा, द मेंबर्स हु आर कास्टिंग द वोट, जो वोट डाल रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा को फॉर्म करते हैं. कैसे फॉर्म होती है ग्राम सभा, उन मेंबर्स के थ्रू जो अडल्ट है और जिन्हें राइट है वोट डालने का. क्लियर यहाँ से. अभी आगे आता है कि हमारी ग्राम जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम दो में ये डिवाइड हमने किया, एक रूरल में और अर्बन में. अभी हम पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को दूसरा क्या नाम दिया जाता है, पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है, पंचायती राज बोला जाता है. ये क्लियर हो गया कि पंचायत कहाँ बनती है, एक सिंगल गांव के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है इलेक्शंस के थ्रू वो हमारी ग्राम पंचायत कहलाती है. अब ग्राम पंचायत लोकल गवर्नमेंट के, सॉरी यहाँ पे अगर हम रूरल नहीं आना चाहिए था, लोकल गवर्नमेंट का भी स्ट्रक्चर होता है. लोकल गवर्नमेंट एक तो डिवाइड की हमने अर्बन और रूरल में, अब इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है. जैसे हमारे अगर हम कंट्री की बात करें तो गवर्नमेंट के 3 टीयर्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, एक सेंटर होता है, एक स्टेट होता है और एक लोकल गवर्नमेंट होता है. ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी 3 टीयर्स होते हैं. कैसे होते हैं, सबसे रूट लेवल पर, बेसिक लेवल की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद पंचायत समिति आती है, और सबसे टॉप पे जो होता है वो जिला परिषद होती है. अब ये फॉर्म कैसे होती है, स्टेप कैसे चलता है, इस ग्राफ के द्वारा मैं आपको डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझाऊंगी कि फर्स्ट लेवल पे हमने क्या बनाया, एक पंचायत बनाई, ठीक है, और ग्राम सभा ने इलेक्ट किया, किसको इलेक्ट किया, सरपंच को और उसके मेंबर्स को, जिसको बोला जाता है ग्राम पंचायत. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से आपको. अब एक गांव ने बनाई ग्राम पंचायत, आगे कई गांव मिलकर बनाते हैं पंचायत समिति,
इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, ब्लॉक समिति भी बोलते हैं और मंडल समिति भी इसको बोला जाता है। तीनों नामों से इसको जाना जाता है, दैट इज पंचायत समिति, ब्लॉक समिति या मंडल समिति। कई गांव की पंचायत मिलकर एक जो ऑर्गेनाइजेशन यूनियन बनाती है उसे पंचायत समिति बोला जाता है। और इसमें अप्रोक्सीमेटली, मैं ये नहीं कहती कि डेफिनेटली ही 10 होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 विलेजेस मिलकर एक पंचायत समिति को बनाते हैं। उसके बाद आगे आता है टॉप लेवल पर। हमने पढ़ा कि 3 tiers में से ग्राम पंचायत और पंचायत समिति हो गया, एक गांव में ग्राम पंचायत बनती है, कई सारी ग्राम पंचायत मिलकर अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाते हैं, पंचायत समिति या पंचायत मंडल या फिर ब्लॉक समिति आप कह सकते हैं बनाती है। फिर आता है जिला परिषद। जिला परिषद कैसे बनता है, यहाँ पर कई सारी पंचायत समिति या ब्लॉक समिति कलेक्टिव होकर सारे ही, मतलब वी कैन से स्टेट के अंदर जितनी भी ब्लॉक समिति होंगी वो मिलकर क्या बनाती हैं, सॉरी स्टेट के अंदर नहीं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी आएंगी, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी आएंगी वो मिलकर क्या बनाती हैं, जिला परिषद बनाती हैं। अब यहाँ पे बात आती है हेड की, कि इनका हेड कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का हेड सरपंच होता है और ये पॉलिटिकल हेड होता है। पॉलिटिकल हेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हम कंट्री लेवल पे बात करते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टीज आ जाती हैं, बीजेपी, INLD, कांग्रेस, ये सब वो इलेक्शन लड़ती है, लेकिन रूरल एरिया में, गांव के एरिया में वहीं के लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शंस के थ्रू। पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में वो अलग अलग खड़े होते हैं, दूसरे के कंट्रोवर्सी होकर अपोजिशन में आकर, तो वो पॉलिटिकली इलेक्ट किए जाते हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल हेड कहलाता है, सरपंच भी। और जिला परिषद का हेड होता है चेयरपर्सन, और ये भी पॉलिटिकल हेड होता है। अगर जिला की हम बात करें, लाइक आपका जिला क्या है, अगर यहाँ पे करनाल की हम बात कर सकते हैं, तो उसका एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल हेड तो कौन हो गया, कौन है पॉलिटिकल हेड आपका, मेयर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जो ओवरऑल जिले की, डिस्ट्रिक्ट की रेगुलेशंस को, रूल को इम्प्लीमेंटेशन देता है, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड DC होता है, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ जिला, देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर पॉलिटिकल हेड आता है देन इज अ चेयर पर्सन होता है। ठीक है, क्लियर, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारी डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर दो एरिया में डिवाइड किया जाता है, रूरल के अंदर और अर्बन के अंदर। रूरल मैंने एक्सप्लेन किया कि 3 tiers होते हैं इसके भी, ग्रामीण किसी एक गांव से स्टार्ट होकर ये पंचायत समिति पे जाता है, और पंचायत समिति से किस पे कन्वर्ट होता है, जिला परिषद में जाकर ये अपने आप को डेवलप करता है। ये अब हम आगे देखते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अर्बन का मतलब होता है शहरी, ठीक है। अब एक जिला के अंदर सिर्फ गांव तो होते नहीं है, शहर भी होते हैं उसके अंदर और टाउन भी होते हैं। तो ये तो हमने गांव के लेवल पर गवर्नमेंट को पढ़ा, अब हम शहर के लेवल पर पढ़ते हैं। शहर भी हमारे क्या, मैंने बोला कि एक बड़ी सिटीज होती है और एक छोटी सिटीज होती हैं, जिनको टाउन्स बोला जाता है। तो दोनों भी लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट बनती है। जब बिग सिटीज होती हैं उनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है, जिनकी पॉपुलेशन 3 lakh से अबव होती है, ठीक है। वो किसके अंडर आती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती है। और यहाँ का जो हेड होता है, इलेक्टेड हेड होता है, वो भी पॉलिटिकल हेड कहलाता है, वो मेयर होता है। जैसे आज के टाइम में आपका यहाँ पे हेड कौन है, रेणु बाला गुप्ता है आपके जिले में, करनाल की अगर हम बात करते हैं। अभी टाउन्स, जो छोटे कस्बे आप जिन्हें बोल सकते हैं, जिनकी पॉपुलेशन 2 lakh या लेस देन 2 lakh होती है, तो उनके अंदर क्या बनती है, म्यूनिसिपैलिटीज बनती हैं, ठीक है। उसका हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है, और ये भी पॉलिटिकल हेड होता है, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू ही इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ तो ये हो गया कि ग्राम क्लियर हो गया कि इलेक्शन कैसे किए जाते हैं, एक गाँव में पंचायत को कैसे बनती है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट्स, और वो जो अडल्ट्स होते हैं वो क्या कहलाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी ग्राम सभा कहलाती है। शहर के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं, लाइक बिग सिटी है या स्मॉल सिटी है, टाउन है, कुछ भी है, कैसे होंगे, ये मान लिया हमने एक शहर है, ठीक है। तो इसको किसके अंदर डिवाइड किया जाता है, अगर बड़े लेवल पे हम देखें तो पूरी कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है, कन्वीनियंट के लिए कि
एक ही साथ पूरी कंट्री के अंदर इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है या एक जगह पे वोटिंग कराना पॉसिबल नहीं है, तो पूरी सिटी को क्या किया जाता है, वार्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट वार्ड से अलग अलग पार्षद आप जिन्हें बोल सकते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, और वो सभी मिलकर फिर किसका इलेक्शन करते हैं, मेयर को अपने इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वार्ड्स का जो डिवीजन हुआ, इनमें ऐसा नहीं है कि कोई एरिया छोटा या बड़ा होगा, नहीं, इसके अंदर इक्वेलिटी रहेगी। इक्वेलिटी कैसी रहेगी कि सेम वोटर यहीं रहेंगे, अगर मान लो यहाँ पे 20,000 वोटर्स हैं तो यहाँ पे भी 20,000 वोटर्स ही रहेंगे, उस हिसाब से वार्ड्स का डिवीजन किया जाता है और इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाता है, किस लिए रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को कितने टाइप में इंडिया के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। ये रूरल और अर्बन में होता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं। कैसे ये फॉर्म होती हैं और इसके भी 3 टीयर्स होते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट के, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर बिग सिटीज और टाउन्स होते हैं। बिग सिटीज को हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, और टाउन को हम म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, और इनके जो हेड होते हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू उन्हें इलेक्ट किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। एक टॉपिक और आपका इस चैप्टर का रहता है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, आफ्टर देन योर चैप्टर फेडरलिज्म विल बी कंप्लीटेड। आई होप कि आपको समझ आया होगा जो भी कुछ इसके अंदर समझाया गया है। डू रीडिंग ऑफ योर चैप्टर ऑल्सो। टिल देन, keep watching.